गार्निंग बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल का आइकन ताकि आप पा सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त गार्नर बॉय। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एमरेलस लिली के प्लांट पे। दोस्तों ये बल्ब मैं लेकर आया हूँ मार्केट से। ये बल्ब मेरे को 20 रुपीज़ का पड़ा है, काफ़ी बड़ा बल्ब है और ये रेड कलर में है। ये देखिए इस पर एक सूट भी निकल रही है। देखिए आप बल्ब जब भी लाए ना तो बढ़िया बल्ब आप ले, कम से कम वो बड़ा बल्ब हो। और ये देख लीजिए, ये मैंने मिट्टी तैयार की है। इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया, मिट्टी तैयार रखी थी। इसमें मैंने रेत मिलाई है और कोकोपीट मिलाया है, बर्मी कंपोस्ट मिलाया है। आप भी ऐसे ही मिलाएं। मिट्टी देखिए एकदम भुरभुरी होनी चाहिए क्योंकि इसमें जड़ें अच्छी से फैलेंगी। और ये है बल्ब। तो दोस्तों आप जब भी बल्ब लाएं तो बढ़िया बल्ब ख़रीदें, क्योंकि बढ़िया बल्ब होगा तभी आपका प्लांट भी बढ़िया होगा और फूल भी फ्लावर भी अच्छा आएगा। और आज मैं आपको बता दूंगा, अगर आप गलती कर रहे हैं कुछ बल्ब लगाने की तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि आप किस तरह, आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर आप भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बल्ब आप ऐसे लगाए ना कि बल्ब को पूरा आपको मिट्टी में नहीं लगाना है। अगर आप पूरा मिट्टी में बल्ब लगा देंगे तो बल्ब गल सकता है। तो आप बल्ब रख के एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं नीचे होती हैं और ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ तक, ये रूट वहीं से आती है। तो थोड़ी मिट्टी और निकाल देता हूँ, अभी साइज के हिसाब से नहीं हुआ है। मिट्टी एकदम आप सॉफ्ट मिट्टी रखें तो अच्छा है, और मिट्टी के गमले में आप लगाया करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इसमें एयर पास होती रहती है। देख लीजिए यहीं तक मिट्टी आपको भरना है, बस इसको थोड़ा सेंटर में रख के और बस इसको ऐसे बस दबा देना है। तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं तो बल्ब डैमेज हो सकता है बस। और ये बस प्लांट तैयार हो गया। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।